दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। देखिए, मैं आपसे इतना अनुरोध नहीं कर सकती जितना कवियों ने किया है कि आप तालियां बजाइए, और ना इतना जोर से गा पाऊंगी क्योंकि मेरा कोमल स्वर है, तो मुझे बेबात पे एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए कि आप सुन रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला है और वो पद आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, और अगर तालियां नहीं आई तो ये दुपट्टा मैं भी ओढ़ सकती हूँ। बहुत अच्छा। मैं कुछ पद जो विसंगतियां हैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा, उल्लास से सुनिएगा, धीरे धीरे मैं अपने मूल तेवर पर आने का प्रयास कर रही हूँ, सुने। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे। चेयरमैन साहब, आप भी तालियां बजाइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जिनका नाम कुमार जी चार बार ले ले वो ताली नहीं बजाते हैं। तो आप भी बजाइए। वो कह रहा मैंने तो पेमेंट भी दिया, मैं क्या बजाऊं? वो पेमेंट जो सीधा बैठकर सामने वसूल कर रहे हैं उसका आपको पता नहीं है। सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, पीछे वो दादाजी मेरा वीडियो बना रहे हैं। ये राजकुमार बादल जी बुजुर्गों को इतना बिगाड़ के गए हैं। दादा, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, अभी यहाँ तो आप इतनी ऊर्जा खर्च करके वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। ये मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इधर तो पार्षद जी ने भी तालियां बजाई है, अनुभव बोलता है। नहीं, सच मानिए, नोखा के इतने कमाल पार्षद हैं। आज दोपहर 3 बजे हम पहुंचे हैं, उसके बाद हर 15 मिनट में मेरा गेट नोक हुआ है। मतलब ये लोग तो नगर पालिका समझ कर घुसे चले आ रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आखिरकार मुझे कहना पड़ा कि ऐसा नहीं है। दो पंक्तियां सभी पार्षदों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। अच्छा। आपके चरित्र से ये भी वाकिफ है। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। राजनीति के यहाँ सभी लोग बैठे हैं, चाहे निर्दलीय बैठे हैं। दो पंक्तियां, मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, सुनिएगा। ये जो दो बंदे हैं, आप लोग तो सच में क्या आनंद से सुन रहे हो। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर। अच्छा, कहा दो को है, खुश पीछे के 100 हो रहे हैं। तू भी निर्दलीय लड़ जा। मुझे तो जब आप में थे तो आप में ही ले लेते। सुनिएगा। कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। और जरा सा प्यार से बोलूं, कहोगे दुनिया से जाकर, जरा सा प्यार से बोलूं,
कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर। फलक का चांद मर बैठा, क्या ओए होए निकली है। तुम रात को इतनी ही बजे ओए होए निकालते हो, या ये किसी रासायनिक पदार्थ की प्रतिक्रिया है। आदरणीय चारण जी जा रहे हैं, बहुत अच्छा आपने संचालन किया। एक बार अच्छा वो रुष्ट होके बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। देखिए उनकी उम्र जो है वो इतने ही समय तक की थी। मैं उन्हें खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है। भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत सलाम करती हूँ। पुनः वहीं पर आती हूँ, राजनीति की बात कर रही थी, थोड़ा सा ध्यान भटका दिया। ये आता जाता आवागमन जो है, ये थोड़ा सा हम भटक जाते हैं। राजनीति मुझे कितनी समझ में आती है, दो पंक्तियां सुनिएगा। पुनः वही आमंत्रण देती हूँ कि हो गई रे बाभरिया दुनिया, हो गई रे। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बाभरिया दुनिया, हो गई रे। और उधर वो जो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटियां बैठी हुई है, आप लोग भी तालियां वालियां बजाए पर सुरक्षा का ध्यान रखें। मोहब्बत का नशा प्यारे नहीं एक पल में उतरेगा, मोहब्बत का नशा प्यारे नहीं एक पल में उतरेगा। है इसका तल बहुत गहरा तो जितना तल में उतरेगा, है इसका तल बहुत गहरा तू जितना तल में उतरेगा। और नई मंजिल नई राहें नया मौका तलाशो रे। वो बोतल में नहीं उतरी तो क्या बोतल में उतरेगा। दो पंक्तियां आखिरी पढ़ती हूँ और फिर सीधे सीधे गीत से जुड़ूंगी। मैं जानती हूँ दो व्यक्ति यहाँ शेष है। शेष क्या बहुत विशेष है, आदरणीय बुद्धि प्रकाश दाधी जी कह रहे थे कि बहुत वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, और आदरणीय डॉक्टर साहब उन दोनों को आपको सुनना है। शेष बहुत विशेष होता है क्योंकि शेष पर पूरी पृथ्वी टिकी होती है। मैं सीधे सीधे अपने गीत से जोड़ूंगी और फिर अपना स्थान लूंगी। एक बार मुझे गीत के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं गीत सुनाऊं? भवन पढ़ो, गीत सुनाओ। कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी निकल। चल 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 परदेसी, चल 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 चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे मैं कुछ चेहरे देख रही हूँ, सच मानिए ये अभी भी इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो सच मानिए बाबा रामदेव भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गीत का पहला अंतरा आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीर्थ सुना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। मुझे मालूम था ये समझ में आएगी।
कि प्यार बिना हर तीर्थ सुना क्या काबा क्या काशी ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है, गली गली में जाल बिछा तू चलना संभल संभल चल 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 चल, चल परदेसी चल 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 चल। और गीत का आखिरी अंतरा, आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी ने कहा था कि माँ अहिल्या कैसे तरती अगर राम नहीं आते, किस प्रेम की हम बात करते हैं। मेरा कहने का तरीका शायद आधुनिक हो सकता है लेकिन प्रेम वही शाश्वत है। किस प्रेम की मैं बात कह रही हूँ कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़।